ये देख रहे हो थकड़ वाली बाइट, ओ मैं गया जी, मेरा मुंह इंतजार कर रहा है यार। अये होए होए होए, नौ से स्टार्ट की गई जर्नी ने ईट एंड ट्रीट को आज दिल्ली का मोस्ट फेमस ईटिंग प्लेस बना दिया है। यहाँ के ऑफर्स ने पूरी दिल्ली में धूम मचा रखी है और स्वाद का भाई साहब क्या कहना। स्पेशलिटीज की बात की जाए तो इनका देसी घी का काली मिर्च चिकन और देसी घी का कीमा मीट भाई साहब, और ऐसी ऐसी वैरायटीज और उनका अलग अलग धाकर धाकर स्वाद। और एक और बात, ये ना अपनी ईटिंग प्लेस तक सीमित नहीं है, इनकी बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़े ऑफिस में कैटरिंग सर्विस भी है। बड़े ही रिकमेंडेशन के बाद आज हम फाइनली यहाँ पहुंचे हैं शालीमार बाग सीसी ब्लॉक DDA मार्केट, किसके पास? ईट एंड ट्रीट के पास। तो चलिए बात करते हैं ओनर से और बताते हैं आपको यहाँ का स्वाद। चलिए हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ नितिन अरोड़ा और हम बोल रहे हैं ईट एंड ट्रीट शालीमार बाग से। हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पे 2009 से है। हमारे यहाँ पे खाना बहुत प्यार से खिलाया जाता है और बहुत भाव से बनाया जाता है। अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, हर तरीके का दिन देखा इस होटल इंडस्ट्री में तो, लेकिन ये होटल इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है। बहुत लोग खोलते हैं थोड़े 6 महीने में, साल में हिम्मत टूट जाती है, उसके बाद ये काम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, हम डट के खड़े रहे, हर तरीके का दिन देखा यहाँ पे, सारे काम करने पड़े लेकिन कभी घबराए नहीं किसी भी काम करने। ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बन गया है, मतलब मेरे को खाना अच्छा खाने का बहुत शौक है, तो अच्छा खाना खाते खाते बनाने का भी शौक आ गया, इसी को हमने अपना पैशन को प्रोफेशन बना लिया। जो हम खाना खुद अच्छा लगता है वही हम खाना बना के अपने कस्टमर को खिलाते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर। हमारा स्पेशल यहाँ का है भट्टी चाप, जो एक बार खाता है वो याद करता है। स्पेशल गर्म मसाले तंदूर पे भून के उसके बाद उसको हमाम दस्ते हैं पीस के उसको दही में मैरिनेट करके बनाते हैं। एक बार जो खाता है हम कस्टमर को कहते हैं कि सर ये भट्टी चाप खा के देखिए, आपने पानी नहीं पीना, एक घंटे तक आपके मुंह में फ्लेवर रहेगा, ये हमारा वादा है। देसी की काली मिर्च चिकन जो कि हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, एक बार जो खा लेता है वो दीवाना बन जाता है इसको। जब हम बनाते हैं ना देसी घी के अंदर काली मिर्च का तड़का लगा के, धनिया अदरक, लास्ट में जब इसमें नींबू निचोड़ के और जो चाट मसाला डाल के देते हैं ना, उफ मजा आ जाता है खा के। शालीमार बाग सीसी ब्लॉक DDA मार्केट, पुलिस स्टेशन के पास में DDA मार्केट है, वहीं पे हमारा रेस्टोरेंट है, आप कभी भी आ सकते हैं। और हमारे जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे हमारा आउटलेट खुल जाता है, 12:30 से खाना मिलना शुरू होता है, 12:30 से लेके 4 बजे तक, और 4 से 6 बजे के बीच में हमारा तंदूर क्लोज होता है, 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम आपकी सेवा में हाजिर है। ट्यूजडे के दिन हमारी छुट्टी होती है। और हमारे यहाँ की जो स्पेशलिटी है, जो आपको सबसे बेस्ट आइटम बताएं, हमारे यहाँ बल्क पैकिंग में हमारी स्पेशलिटी है, अगर आपके घर कुछ गेस्ट आ जाते हैं और आपको बल्क फूड मंगाना है तो हमारे यहाँ मिलेगी आपको 2 लीटर दाल मखनी, 2 लीटर शाही पनीर, 2 लीटर बटर चिकन की बल्क पैकिंग बहुत रीजनेबल रेट में, कि आप घर पे भी बनाएंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा, इतने रीजनेबल रेट में हम आपको बना के देंगे। हमारे यहाँ की सबसे स्पेशल बात है, हमारे यहाँ आज की आज ऑफर होती है, जो आज ऑफर है वो कल नहीं मिलेगी, जो कल है वो परसों नहीं मिलेगी। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, आपको डेली नई ऑफर मिलेगी, हर हफ्ते कुछ नई आइटम मिलेगी। और हम स्पेशलिस्ट हैं लग्जरी कैटरिंग करने के लिए, अगर आप भी शौकीन है, आपके घर का मुहूर्त है, माता की चौकी है, गुरुजी का सत्संग है, गुरुद्वारे में कोई पार्ट है, तो आइए एक बार हमारे ईट एंड ट्रीट पे, हम आपको खिलाएंगे बहुत ही बेहतरीन खाना, आपकी पसंद का खाना आपके लिए बनाया जाएगा आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से। मोस्ट वेलकम। हाय, माय नेम इज विक्की, आई एम फ्रॉम मोतीनगर एंड आई एम हियर टू ईट माई स्पेशल मटकी चिकन जो नितिन जी बनाते हैं और बहुत अमेजिंग। गाइस बनने जा रहा है जी देसी घी कीमा मीट, ये देखिए ये मटन ग्रेवी आ गई जी। गाइस ये बनने जा रहा हमारा मटकी चिकन, ये ग्रेवी है और कीमा है, एंड दिस इज चिकन, ये गहरी चिकन। ये कीमा गया साथ में, भुना हुआ कीमा गया जी, एंड सॉल्ट, लाल मिर्च, बाकी इनके मसाले।
ये मक्खन मक्खन साथ जाएगा, वेरी गुड। ये हमारा जी स्पेशल देसी घी वाला काली मिर्च चिकन, ये पड़ा देसी घी। ये गई जी दरदरी पीसी हुई काली मिर्च, ये काले मिर्च चिकन गया जी। और ये काजू की पेस्ट गई, ओ हो, ये मीट ग्रेवी। बाकी मसाले इनके, पहली आइटम है जी क्रीम अफगानी चिकन, ये है जी 350 का हाफ। एंड दिस इज स्पेशल मटकी चिकन जो कि 520 का हाफ है। यह क्वांटिटी देख रहे हो आप भाई साहब, ये हाफ है अभी। आगे बढ़ो, ये है जी हमारा स्पेशल देसी घी का काली मिर्च चिकन और इसका रेट है जी 320 रुपए का हाफ। नेक्स्ट आइटम इज ये देखो भाई साहब, देख रहे हो ये है जी इनका स्पेशल बटर चिकन जो कि 440 का हाफ है और क्वांटिटी देख रहे हो हाफ की। और आगे बढ़िए भाई साहब, ये है जी इनका स्पेशल देसी घी का कीमा मीट जो कि 320 रुपए का हाफ है, देख रहे हो। सो गाइज, ईट एंड ट्रीट में हमारा खाना हमारी टेबल पे सज चुका है। यार मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, अंदर ओनर ना जो चीज़ बनती है ना वो आप खुद आता है और उसका टेस्ट करता है। यार ये चीज़ मतलब कितना वो डेडिकेटेड है कि मतलब मेरे कस्टमर के पास जो जाए वो स्वाद जाए, ये एक चीज़ खास है यहाँ पर यार। चलिए अब वो क्या खास है, क्या स्वाद है, आपको हम खा के बताते हैं, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली आइटम है क्या जी, क्रीम चिकन, ये क्रीम अफगानी चिकन, देख रहे हो कितना यम्मी लग रहा है यार, देख रहे हो। इसका तो यार लेग पीस ही लेना पड़ेगा भाई साहब, देख रहे हो। ये देखिए, शुरू करें, चलिए। एक वर्ड, आउटस्टैंडिंग। कोयले की जो खुशबू होती है प्लस क्रीम जो मिल्क के जो कॉम्बिनेशन आया ना, वाह जी वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईट एंड ट्रीट का स्पेशल जो है ना यहाँ पर, ये भाई साहब देसी घी का काली मिर्च चिकन, देख रहे हो, ओए होए 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 होए, देख रहे हो भाई साहब, ओहो यम्मी है यार, देख रहे हो मसाला, ये देखो भाई साहब मज़ेदार है यार, बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, इसको ट्राई करें, ओए होए होए, चलो कहाँ से ट्राई करें यार, ओए होए। जो डोमिनेटिंग फ्लेवर है ना वो है काली मिर्च का। इन्होंने मटन की ग्रेवी डाली थी हल्की हल्की, उसको सुखाया है, ओहो मिर्ची वाला है हल्का, लवली है भाई लवली है, ये तो वाकई यार। और हल्की हल्की देसी घी की खुशबू आ रही है, हल्की हल्की, वो स्वाद है यार, ये खास है, मज़ेदार। ये देखिए, ये अंडा डाला हुआ है उन्होंने, एंड दिस इज कबाब, धनिया डाला हुआ है और अदरक के लच्छे हैं भाई साहब, इसको तो ये पकड़ते हैं अपनी टंगड़ी, ओए होए 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 होए, देख रहे हो धुएं उड़ाती हुई टंगड़ी भाई साहब। चलिए इसको ना डालते हैं अपने प्लेट में, ठीक है जी, एंड सम ग्रेवी। इसको हम टेस्ट करेंगे अपने गार्लिक वाले बटर नान से, ये थोड़ा सा बटर नान, एंड ये देखो भाई साहब, एंड सम ग्रेवी। यार इसके साथ ना प्याज होना चाहिए भाई साहब, ओए होए होए होए, ये देखो जी ये है प्याज और ऊपर डालेंगे, ये देख रहे हो थाकड़ वाली बाइट, ओ मैं गया जी, मेरा मुंह इंतज़ार कर रहा है यार, ओए होए होए होए। चलिए वो है, ओह झकास है भाई,
प्रॉपर मिर्ची, प्रॉपर मसाले, खुशबूदार वाले, हल्का सा लहसुन अदरक का स्वाद, वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें ना जो पीसेस डालते हैं वो तंदूरी डालते हैं, तंदूर से निकाल के उसके बाद डालते हैं, तो उससे ना उसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। लवली भाई, क्या बात है भाई, आगे बढ़ो भाई साहब। ये है जी हमारा बटर चिकन, देख रहे हो, ओए होए होए होए, क्या बात है यार, इसका पीस निकालेंगे अच्छा वाला, कौन सा अच्छा वाला, ये वाला भाई साहब, ये वाला, हाँ यही वाला, इसको डालेंगे हम अपनी प्लेट में, थोड़ी सी लेंगे ग्रेवी और खाएंगे हमारे गार्लिक वाले बटर नान से। मैं क्या जी, ओए होए, चलिए ये देखो, देख रहे हो, स्मोकी फ्लेवर, क्रीमीनेस, वाह जी वाह, हल्की सी मिठास, ये स्वाद है भाई, दिस इज गुड, दिस इज गुड। हल्की सी खटास भी है, क्या बात है, आगे बढ़िए। ये देखो, ये है जी हमारा देसी घी वाला कीमे वाला मीट, देख रहे हो भाई साहब, ये जो ऑयल दिखाई दे रहा है ना, दिस इज प्योर देसी घी, प्योर देसी घी भाई साहब। और ये हमारा पीस, ओए ओए ओए, देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये निकल गया, देख रहे हो, इसका मतलब पता आपको भाई साहब, मीट बहुत ज़्यादा टेंडर है, बहुत ज़्यादा टेंडर है, और अच्छी तरह उन्होंने इसको राड़ा हुआ है अच्छी तरह भाई साहब, मज़ेदार। इसको भी डालेंगे हम अपनी प्लेट में, ओए होए होए, इसको साइड करेंगे, ये आ गया जी प्लेट में, ठीक है जी, थोड़ी सी देसी घी वाली कीमे वाली तरी लेंगे इसके ऊपर भाई साहब, ऐसे डालेंगे, आए हाय क्या बात है यार, स्वाद आने वाला है भाई साहब। ये भी हम खाएंगे अपने नान के साथ, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो कितना टेंडर है यार, ये देखिए, ये देखो, ये देखो भाई साहब, भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा स्वाद आने वाला है, पक्की बात है। इसका रंग देख रहे हो यार, रंग देखो, रंग देखो, साथ में एक लच्छे वाला प्याज और चटनी भी आई है इनकी यार साथ में, वो भी डालेंगे भाई, हल्की सी चटनी, ये वाला पैकेज बनाना भाई साहब, ओए होए, शुरू करें, ओए होए होए, ये है भाई साहब, इसमें जो पहली जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रही है, बल्कि वो है प्योर देसी घी की। अगर खाने में ना अगर आपने खुशबू सूंघनी है तो नाक से ऐसे जब डालते हो ना मुंह में रोटी या सब्जी, नाक में खुशबू आ जाती है अपने आप, और इसकी खुशबू आ रही थी प्योर देसी घी वाली भाई साहब। ये इसकी ग्रेवी बहुत स्वाद है, मजेदार भाई साहब। भाई मैं तो इसको रिकमेंड करता हूँ भाई, इट्स वेरी वेरी नाइस भाई, जो मीट लवर्स हैं उसके लिए ये नंबर वन चीज़ है, बाकी कह रहा हूँ एक बार आगे खा के देखना एक बार, लवली भाई लवली यार, एकदम मीट देखो ना कितना टेंडर है, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो यार, कमाल है यार, एक तो ग्रेवी धाकर और साथ में मीट धाकर भाई साहब, वाह वाह, नो वर्ड्स यार, नो वर्ड्स। बाकी चलिए ऐसा है, वीडियो को करेंगे एंड, बिकॉज ना इतना धाकड़ वाला खाना हमारी टेबल पर सजा हुआ है तो यार वेट नहीं हो रहा यार, और वैसे भी हमने बहुत दूर जाना है यार। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लो यार, कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।